जो लोग बेचारे गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक सबसे रीजनेबल अच्छा पैकेज निकाला है विद वारंटी वाले इक्विपमेंट। वो है दो पैनल है इनवरेक्स के 575 वाट के एन टाइप बाइफेशियल के, और इनवरेक्स का 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, और एक स्टैंड है टू एल टू का 16 गेज का। देखें ये है इनवर्टर का नेटरॉक्स ऑनग्रिड प्लस हाइब्रिड इन्वर्टर, 12 किलोवाट का इन्वर्टर है। इस पर आप नेट मीटिंग भी कर सकते हो और अपना हाइब्रिड बैकअप भी चला सकते हो। अगर नॉर्मल छोटे घर है जिसमें एक इन्वर्टर एसी होता है, 1 टन का, एक छोटा फ्रिज होता है, लाइटें पंखी होती है, ऐसे 5 घर चला देगा ये। एक हाइब्रिड वाला है, एक नॉन हाइब्रिड वाला है। 70 एम्पेयर का इनपुट है इसमें, आउटपुट है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों सपोर्ट करता है, बट इसकी जो VDC है वो 100 वोल्ट की है। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो कैसे जी बिलाल भाई, रेट तो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है और मजीद भी यही है कि इंशाल्लाह आगे भी डाउन होने वाला है। देखिए अब जो दौर है वो है एन टाइप बाइफेशियल पैनल्स का, तो कोशिश कीजिए कि एन टाइप बाइफेशियल पैनल मिल जाए क्योंकि इनकी पावर एफिशिएंस भी ज्यादा है और जनरेशन भी ज्यादा है। तो बेहतर है कि आप नेट मॉडल के पैनल ले लो बनस्बत के आप पुराने पैनल्स लें। अभी हमारे पास जो पैनल्स में अवेलेबिलिटी है वो है इनवरेक्स की, इनवरेक्स के पैनल मस्टैंग पड़ा हुआ है, जिनको का बाइफेशियल पड़ा हुआ है और सनोवा सोलर पड़ा हुआ है, और फर्दर पैनल्स अलग अलग अदर ब्रांड्स के आते रहते हैं हमारे पास। अभी जो अवेलेबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इन्वर्टर्स भी हमारे पास वेरॉन सीरीज में 1.2 और 2.5 ही अवेलेबल है, बाकी 4 और 6 अभी मार्केट से शॉर्ट हो चुका है। तो बाकी नेटवर्क्स में 3 किलोवाट है, 6 किलोवाट है, 12 किलोवाट है, इसमें नेटवर्क्स में 8 किलोवाट मार्केट में शॉर्ट है अभी, तो वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा सोलेक्स के इन्वर्टर हैं, सोलेक्स के इन्वर्टर हैं कि आप टेक्नोलॉजी जितना आप लेटेस्ट लेंगे उतना आपका बेनिफिट है, और कि ये पावर जनरेशन ज़्यादा है। बायोफिशियल का बेनिफिट ये है कि वो बैक से भी अगर आपकी रूफ ट्रांसपेरेंट है और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है जिससे आपकी लाइट बाउंस बैक करेगी तो उससे भी आपके पावर जनरेशन बढ़ती है। अगर आपकी हीट भी है तो हीट से भी पावर जनरेशन बैक से भी करता है। तो बेनिफिट यही है कि देखिए आप अगर अभी सिंगल ग्लास पैनल लेते हैं तो 1 या 2 रुपये पर वॉट का डिफरेंस मिलेगा, तो क्यों ना आप उसी पैसे में आपको बाइफेशियल पैनल मिल जाए, तो बेनिफिट आपका ही है, हमारा थोड़ी, आपकी पावर जनरेशन ज्यादा होगी। तो सबको रेकमेंड तो हम यही करते हैं कि आप बाइफेशियल पैनल लें। जी बिलाल भाई, आज हम दिखाने वाले हैं इनवर्टर का नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट। अगर आप नॉर्मल छोटे घर हैं तो इसमें आराम से 5 छोटे घर आपके चल जाएंगे। देखें ये है इनवर्टर का नाइट्रॉक्स ऑनग्रिड प्लस हाइब्रिड इन्वर्टर, 12 किलोवाट का इन्वर्टर है। इस पे आप नेट मीटिंग भी कर सकते हो और अपना हाइब्रिड बैकअप भी चला सकते हो। 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, मैक्सिमम पीवी इस पे आप 15 किलोवाट की डाल सकते हो। आपके 4 इन्वर्टर बड़े 2 टन के एसी हैं, 1.5 टन के एसी हैं, वो भी चल जाएंगे, फ्रिज भी चल जाएंगे, लाइटें पंखे, इजीली पूरा आपका बैंगलोर चल जाएगा। अगर नॉर्मल छोटे घर है जिसमें एक इन्वर्टर एसी होता है, 1 टन का, एक छोटा फ्रिज होता है, लाइटें पंखी होती है, ऐसे 5 घर चला देगा इजीली। ये नेटवर्क्स की सीरीज में आता है, नेटवर्क्स का 12 किलोवाट। वेरॉन में आपको मैक्सिमम 6 किलोवाट मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता। अब ये नेटवर्क्स है ऑनग्रिड प्लस हाइब्रिड ऑप्शन है, तो यही है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो है अदर आपके मॉडल से, तकरीबन इसकी मार्केट प्राइस तो 9.5 लाख रुपए है। बट आप हमारे पास से लेते हैं, आपके चैनल के थ्रू कोई आता है आपका स्क्रीनशॉट दिखाता है तो हम उसे बिल्कुल फाइनल फाइनल 8,90,000 में दे देंगे। हमारे पास सबसे पहले हम आपको पैनल दिखा देते हैं जिनको बाइफेशियल का हमारे सामने लगा हुआ है, जिनको बाइफेशियल एन टाइप का है ये, ठीक है, डबल ग्लास के अंदर। अभी सबसे ज़्यादा हॉट की गई आइटम है, मार्केट में शॉर्ट भी चल रही है और मेजोरिटी खुद ही पीपल लोग आके यही जिनको ही कहीं पैनल मांगते हैं, तो ये भी स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। मार्केट पहले अगर आप इसको 2-4 दिन पहले देखें तो 45 रुपये पर वॉट चल रही थी, आज इसका रेट 40 रुपये पर वॉट है, और मजीद अगर आप पैलेट में लेते हैं तो 39-38 का रेट चल रहा है। इसके अलावा फिर हम मूव करते हैं इनवरेक्स के ऊपर। इनवरेक्स का मस्टैंग हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी 575 वॉट में है, एन टाइप बाइफेशियल पैनल है इनवरेक्स का मस्टैंग। इसके साथ इसका वारंटी कार्ड भी आता है, 30 साल पावर आउटपुट वारंटी भी है। अच्छा, इनवरेक्स के पैनल खरीदने के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई भी ब्रांड आप खरीदते हैं उसकी इंटरनेशनल वारंटी है, ठीक है। इनवरेक्स पाकिस्तान का ब्रांड है और टॉप ब्रांड है, इसके इनवरेक्स के इन्वर्टर्स भी बड़े ज्यादा डिमांडिंग है, तो पैनल्स भी इसलिए इसका रिकमेंड कर रहे हैं कि इसके वारंटी कार्ड साथ आता है, किसी अदर ब्रांड का वारंटी कार्ड नहीं आता। कोई इशू हुआ अलग ना करे देन आप इसका क्लेम कर सकते हैं इसके सर्विस सेंटर से, ये इसका बेनिफिट है जी। इसमें बिलाल भाई हमारे पास 1.2 किलोवाट का भी एक पैकेज हमने रिलीज किया है, फर्दर इंशाल्लाह और भी पैकेज रिलीज करेंगे। 1.2 में जो इंक्लूडेड है वो है दो पैनल है इनवरेक्स के 575 वॉट के एन टाइप बाइफेशियल के, और इनवरेक्स का 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, और एक स्टैंड है टू एल टू का 16 गेज का। तो ये आपको पड़ता है 1,17,500 रुपये का। इसके अंदर इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं है, ये एक नॉर्मल पैकेज है जो लोग बेचारे गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते
उनके लिए एक सबसे रीजनेबल अच्छा पैकेज निकाला है विद वारंटी वाले इक्विपमेंट। मार्केट में आपको विदाउट वारंटी के इक्विपमेंट मिल रहे हैं, लगभग रेट यही होता है। तो हमने कोशिश की कि आपको जितना अच्छा और वारंटी के साथ पैकेज दे सके वो दें। वोल्ट तो 48 टू 50 वोल्ट्स होते हैं, मैक्सिमम एम्पेयर के 10 से 12 एम्पेयर चले जाते हैं, और वाटेज जो है 575 वाट का पैनल मैक्सिमम 615 वाट तक जनरेशन देता है। 1.2 में हमारे पास इनवर्टर्स का आता है, मैक्सिमम पीवी इसकी 15 किलोवाट तक, मतलब 1.5 किलोवाट तक जाती है। इसमें आप चार पैनल मैक्सिमम लगा सकते हैं, मिनिमम आप दो पैनल लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी मार्केट रेट जो अभी चल रहा है तकरीबन 72-70,000 का सेल हो रहा है। आपके चैनल के कोई थ्रू आता है, हम उसको फाइनल 68,000 में दे देंगे। इनवर्टर्स में कैटेगरी वर्क है, मतलब तीन कैटेगरीज आती है, यूकॉन, वेरॉन और नाइट्रॉक्स। यूकॉन थोड़ी हल्की है और वेरॉन थोड़ी बेहतर है, नाइट्रॉक्स सबसे ज्यादा बेहतर है। 2.5 किलोवाट अवेलेबल है, ठीक है। मैक्सिमम पीवी इसकी जो है 3 किलोवाट पे जाती है, मैक्सिमम 6 पैनल लगा सकते हैं, मिनिमम आप 3 पैनल लगाएं, 4 पैनल लगाएं यहाँ पे, ठीक है। 2 साल प्रोडक्ट वारंटी होती है, 3 साल सर्विस वारंटी होती है इनवर्टर्स के, वेरॉन के हर प्रोडक्ट की। इसकी प्राइस अभी मार्केट तो वैसे 95 चल रही है, आपके चैनल के थ्रू आता है 92,000 में दे देंगे। सोलेक्स में मेरे पास अवेलेबल है, आप सारा सोलेक्स देख सकते हैं, बट ये है कि ये IP65 में 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके स्पेक्स ऐसे दिखाए, ये सारी इसकी स्पेक्स लिखी हुई है, आप पोस्ट करके भी देख सकते हैं। ये 6 किलोवाट का है, सोलेक्स ब्रांड है और फ्रोनस इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो बेनिफिट आपको ये मिल गया कि जहाँ पे भी आपको फ्रोनस के सर्विस सेंटर मिलता है वहाँ से आप इसको रिपेयर करवा सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस तो चल रही है 1,80,000 रुपए, आपके चैनल का कोई थ्रू आता है 2,70,000 में दे देंगे, 270 में। लेकिन सर प्रॉब्लम तो वैसे कोई आती नहीं है, बट वही आपके मैनेज के ऊपर है किस तरह आप मैनेज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ओवर पावर चलाते हैं इसे, तो खराब हो सकते हैं, कुछ शॉर्टेज की वजह से हो सकते हैं, गलत इंस्टॉलेशन की वजह से हो सकता है, मे बी कभी कभार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी आता है। तो ये चीज़ की हम भी गारंटी नहीं दे सकते क्या फॉल्ट आएगा क्या फॉल्ट आता है। तो बेहतर तो आपको यही है कि सर्विस सेंटर आप जाके इन चीज़ों को रिजॉल्व करवा सकते हैं। किलोवाट के हमारे पास आप ये देख सकते हैं बैक पे सारे लगे हुए हैं, हमारे पास में 10 किलोवाट भी है, 15 किलोवाट भी है, 20 किलोवाट भी है, 25 किलोवाट भी है। ये ऑनग्रिड इन्वर्टर्स हैं, आप नेट मीटरिंग अगर कराते हैं तो उनमें ये इन्वर्टर्स लगते हैं। इसकी प्राइसिंग भी मैं आपको बता दूं, 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो 2,55,000 रुपये का है, और 15 किलोवाट वाला 3,08,000 रुपये का है, और 20 किलोवाट वाला 4,00,000 का है, और 25 वाला 4,20,000 रुपये का है। मेरे पास NPPT में जरा 2 अवेलेबल है, एक हाइब्रिड वाला है एक नॉन हाइब्रिड वाला है। 70 एम्पेयर का इनपुट है इसमें, आउटपुट है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों सपोर्ट करता है, बट इसकी जो VDC है वो 100 वोल्ट्स की है। तो उस पर आप बड़ा पैनल जो इस तरह का लगाना चाहे तो 2 ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। छोटे पैनल लगाए तो आप 6 पैनल 7 पैनल लगा सकते हैं छोटे वाले। ये नॉर्मल बेसिकली जिनके घर पे इन्वर्टर नहीं लगा सकते, वो DC सिस्टम चलाना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल वाला लगेगा, नॉन हाइब्रिड वाला। आपके पैनल्स के थ्रू ये कनेक्शन हो जाएगा और उसके बाद ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा, और आपके आउटपुट जो है वो इससे भी ले सकते हैं, बैटरी से भी ले सकते हैं, ये DC सिस्टम के लिए। और हाइब्रिड वाला जो है वो है बेसिकली जिनके घर पे UPS लगा हुआ है, तो आप UPS से इसको कनेक्शन कर देंगे, आपका सोलर से UPS चार्ज होगा और आपका आउटपुट देगा। जी कॉन्टैक्ट नंबर है 03112968948, एड्रेस है अलनजीबी टावर G158 से लेके G168 तक, अलनजीबी ग्राउंड फ्लोर, सदर मोबाइल मार्केट कराची। आप यहाँ पे भी एड्रेस भी दिखा दें, नंबर्स भी दिखा दें, फैजान अली भी होते हैं हमारे पास, फैजान भी, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।